कोरोना वायरस अब धीरे धीरे बॉलीवुड में भी पैर पसार रहा है। समय बीतने के साथ ही बॉलीवुड में कोरोना वायरस के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम आपको उन लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से कई सितारे तो अब इस बीमारी को मात भी दे चुके हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी इस वायरस से बच नहीं पाए और आ गए इसके चपेट में। बता दें, इस समय अमिताभ बच्चन नानावती हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं। अभिषेक बच्चन, अमिताभ जी के बाद खबरें ये आई कि अभिषेक बच्चन भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में अभिषेक बच्चन भी इस समय अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। ऐश्वर्या एंड आराध्या बच्चन, बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन को भी कोरोना वायरस हो गया है। दोनों को ही घर पर क्वारंटीन किया गया है। अनुपम खेर्स मॉम, बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की मॉम दुलारी जी भी कोविड पॉजिटिव है। उन्हें रिसेंटली आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया था और इस बात की जानकारी खुद एक्टर ने दी। इनफैक्ट उनके अलावा अनुपम खेर के भाई, उनकी भाभी और भतीजी को भी एडमिट किया गया है ड्यू टू कोविड-19। वाजिद खान, बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। रिपोर्टेडली किडनी का इलाज करवाते हुए वाजिद खान कोरोना की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद उनका देहांत हो गया। कनिका कपूर, कनिका कपूर बॉलीवुड की पहली ऐसी सेलिब्रिटी है जिनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया था। कनिका कपूर इलाज कराकर अपने घर लौट चुकी है और स्वस्थ है। जुआ मुरानी, करीम मुरानी की बेटी और एक्टर जुआ मुरानी भी इस बीमारी का शिकार हो चुकी है। इनफैक्ट उनकी बहन शाजा मुरानी और पिता करीम मुरानी भी पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि ये तीनों अब ठीक हो चुके हैं। पूरब कोहली, फिल्म अभिनेता पूरब कोहली और उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। पूरब कोहली ने भी इस बीमारी को मात दे दी है। किरण कुमार, कुछ दिन पहले ही तेजाब से लेकर धड़कन तक कई फिल्मों में नजर आ चुके दमदार एक्टर किरण कुमार का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। अब किरण कुमार पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वेल, हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और कि ये वायरस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। आपका क्या कहना है इस बारे में? आपकी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।